हेलो फ्रेंड्स, रिंकू टेस्टी किचन में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। सुपर टेस्टी, सुपर सॉफ्ट, एकदम ग्रेवी वाली सब्जी। जब भी हो तीखा और चटपटा खाने को मन, तो बेसन की सब्जी कुछ अलग तरीके से बनाए, एकदम आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मसाला की तैयारी करते हैं। यहाँ 15-20 कलियाँ लहसुन के हैं और ये साबुत गोलकी जीरा है आधा आधा चम्मच, और ये आधा चम्मच है धनिया, और ये थोड़ा सा अदरक है थोड़ा सा कटा हुआ, और ये तीखा बनाने के लिए ये रेड चिल्ली ले लिए हैं 6 पीस, आप तीखे के अनुसार ले सकते हैं। और एक मिक्सी जार लेंगे और मिक्सी जार में डालकर इसे पीस लेना है। इस तरह से मसाला पीस लेने से ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी बनती है। तो अब यहाँ पर मैंने लिए हैं बेसन 1 कप। ये बेसन 200 ग्राम के लगभग है और इसे अलग एक बाउल में मैं निकाल लूँगी। और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, यहाँ पर मैंने आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम नमक लिया है, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और पानी से इसे घोल बना लेना है। ये आधा कटोरी पानी मैंने लिया है, थोड़ा सा पानी पहले डालेंगे उसके बाद मिक्स करेंगे। एक बार में पानी नहीं डालेंगे और इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे एकदम मीडियम साइज में, और इसे लगातार इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। अब इसमें कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए बेसन का घोल तैयार है, इसी तरह से हमें रखना है। तो इसे अब 10 मिनट के लिए इसी तरह से रख देते हैं। अब कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच तक सरसों का तेल, और इसे गरम होने देंगे। अब घुला हुआ बेसन इसमें डालेंगे। इस तरह से आप बेसन की सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी, एकदम मुंह में घुल जाने वाली, सारी सब्जियों को भूल जाएंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे, इसे एकदम सुनहरा होने तक भून लेना है, जब तक इसमें एकदम सोना सोना महक ना आ जाए। एकदम देखिए अच्छी तरह से भून लिए हैं इसे, तो अब इसे अलग प्लेट में निकाल लिए हैं और थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसे अब बॉल बना लेते हैं। थोड़ा सा हाथों में लेकर इसे गोल साइज में कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये गोला तैयार है, इसे आप कोई भी शेप में बना सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से सभी को बना लेंगे। इसी तरह से सभी को बना लिए हैं, एक थोड़ा सा पीस बड़ा रखे हैं। तो अब इसे थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 4 चम्मच तक सरसों का तेल। इसे आप चाहें तो रिफाइंड तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे हल्का सा ही भून लेंगे ताकि ये जब सब्जी बने तो सोनापन इसमें आ जाए। इसी तरह से सभी को डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, इसे मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे, लो फ्लेम में एकदम नहीं भूनेंगे। और इस तरह से देखिए एकदम सभी को घुमा देंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब ये हल्का सा सुनहरा कलर हो जाने के बाद इस तरह से देखिए, तो इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो सभी को निकाल लेंगे इसी तरह से। तो अब फिर से कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 3 चम्मच तक सरसों का तेल, और ये सरसों डालेंगे फोरन के लिए। अब 2 कटा हुआ प्याज और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे।
और इसे भून लेना है। इसे सुनहरा होने तक भूनेंगे, जब तक इसमें थोड़ा सा हल्कापन कलर चेंज ना हो जाए तब तक इसे भून लेना है। देखिए इसे अच्छी तरह से भून लिए हैं, तो अब इसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे। जो सभी मसाला तैयार किए थे वही मसाला को डाल देना है और इसे भून लेना है। और इसमें डालेंगे आधा चम्मच तक हल्दी पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे भून लेना है। इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसमें तेल ना दिखने लगे। देखिए ये ऊपर ऊपर तेल दिखने लगे तब इसमें डालेंगे एक चम्मच तक बेसन। बेसन डाल देने से ग्रेवी अच्छी बन जाती है। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। थोड़ी देर भून लेने के बाद इसमें डालेंगे दही। यहाँ पर मैंने घर की जमी हुई दही ली है। दही को इस तरह से मिक्स कर लेंगे और चार चम्मच तक दही डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेना। बहुत लोग बनाते हैं तो दही डालने से थोड़ा फटा फटा नजर आता है। देखिए इस तरह से आप बेसन की सब्जी बनाएंगे तो एकदम अच्छे तरीके से बेसन की सब्जी बनेगी। अब इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पर मैंने आधा कटोरी पानी लिया है और थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये इसमें थोड़ा थोड़ा पानी कर कर ही डालेंगे ताकि जो बेसन डाले हैं उसमें लम्स ना रहे, एकदम सभी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें डेढ़ कटोरी तक पानी का यूज किए हैं। आप ग्रेवी के हिसाब से पानी डालें और इसे खौलने दें। ये देखिए जब ये अच्छी तरह से खौल जाए तब इसे थोड़ा चला लेंगे और ये बेसन का गोला इसमें डालेंगे एक एक करके। है ना, बेसन की सब्जी बनाना एकदम आसान और एकदम सुपर टेस्टी, सुपर सॉफ्ट बनेगी यह सब्जी। और कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल देंगे और इसे 2-3 मिनट तक ढक कर रखें। और 2-3 मिनट के बाद देखिए सब्जी हमारी एकदम तैयार हो गई है। इसे रोटी के साथ, चावल के साथ या ऐसे ही खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी खाने में। और इसे अलग प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए एकदम ग्रेवी वाली सब्जी, बिल्कुल नए तरीके से। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। और ये देखें एक पीस में तोड़ कर दिखाती हूँ, एकदम सॉफ्ट